अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करा करें, शेयर करें, या मुझे आप लोगों की सपोर्ट की अच्छा ज़रूरत है। आप लोगों को नहीं पता मैंने आप लोगों से कहा क्या रखा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ कम से कम इतना तो सब्सक्राइब कर दें कि कुछ थोड़ी बहुत इनकम बन जाए मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मेरे हालात ख़राब हैं, मैं बहुत बुरी हालात में हूँ, मैं किस तरह की मजबूरी में हूँ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर दें प्लीज़। आज मैं मटर आलू पका रही हूँ, तो मैं आपकी इसको रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। ये मैंने प्याज डाल दिए, प्याज हल्की सी ब्राउन होगी, प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये पिसी हुई प्याज है थोड़ी सी ये डाल रही हूँ। इसके साथ ये हल्दी, नमक, मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, ये सब चीज़ें जो मैंने मसाले डाल दिए हैं, अब मैं इनको लगातार भूनूंगी। ये देखिए ये मसाला भून गया है। अब मैं ये टमाटरों का पेस्ट है, एक टमाटर का पेस्ट है जो मैं डाल रही हूँ, अब इसको भी भून लेंगे हम। देखिए ये अच्छे से भून चुका है। इसके साथ ही ये मटर और आलू ये डाल रही हूँ मैं, अब इनको मैं भूनूंगी अच्छे से। ये भी बहुत अच्छा सा भून चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और आंच ज़रा हल्की कर देंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको पानी डाल दिया, हम अब इसको ढक्कन लगा देंगे, पकने के बाद दिखाएंगे आपको। मटर आलू फुल तैयार हैं, बहुत लजीज बना हुआ है, बहुत ज़ायकेदार है। आप लोग भी नोश फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।